आपकी सैटरडे को 12:30 आज लेक्चर नंबर 12 है इलेक्ट्रिकल मशीन्स का। तो हमने अभी तक डीसी जनरेटर्स तक पढ़ लिया था, उसकी क्लासिफिकेशंस, उसकी फंक्शन पार्ट्स, उसकी करेक्टरिस्टिक्स। और उससे पहले हमने जो है वो एसी अल्टरनेटिव्स भी पढ़ लिए थे, और इससे पहले हमने जनरेटर्स और वो सारा कुछ भी पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीसी मोटर्स को। अभी आपकी डीसी मोटर्स रह गई हैं और साथ में आपकी इंडक्शन मोटर, एसी मोटर्स रह गई हैं, फिर स्पेशल पर्पस मोटर्स की तरफ आएंगे। तो डीसी मोटर्स में हमारे पास जनरली जो डीसी मोटर्स हैं ये आपको नॉर्मल एप्लीकेशन में कम नजर आती हैं। इनको स्पेशल पर्पस जो होती है ना, स्पेशली डिजाइंड पर्पस, उसके लिए यूज किया जाता है। सो डीसी मोटर्स आर सेल्डम यूज्ड इन ऑर्डिनरी एप्लीकेशन बिकॉज ऑल इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनीज फर्निश अल्टरनेटिंग करंट। जो हमारे पास ये नॉर्मली होता है वो एसी होता है। हाउएवर फॉर स्पेशल एप्लीकेशन सच एज इन स्टील मिल्स, माइंस एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेन, खास इक्विपमेंट को चलाने के लिए इट इज एडवांटेजियस टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इन ऑर्डर टू यूज डीसी मोटर्स। तो डीसी मोटर्स का सप्लाई है, तो वहां पर भी आपकी जो है ना वो एसी आ रही होगी, आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं डीसी में और डीसी मोटर्स को अप्लाई करते हैं। द रीजन इज दैट जो स्पीड और टॉर्क करेक्टरिस्टिक है ना डीसी मोटर की, वो एसी मोटर की निस्बत बहुत ज्यादा है। तो जहां पर आपको स्पीड या टॉर्क ज्यादा चाहिए होगा, वहां पर आप डीसी मोटर को रिकमेंड करेंगे। इसी तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। द रीजन इज दैट स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर आर मच मोर सुपीरियर टू दैट ऑफ एसी मोटर्स। देयरफॉर इट इज नॉट सरप्राइजिंग टू नोट दैट फॉर इंडस्ट्रियल ड्राइव, जो हमारे पास इंडस्ट्री में मोटर्स होती हैं, डीसी मोटर्स आर एज पॉपुलर एज थ्री फेज इंडक्शन मोटर। हैवी लोड्स के लिए हम इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, लेकिन जब जहां पर हमारे पास स्पीड कंसर्न होता है वहां पर हम जो है वो डीसी मोटर्स को रिकमेंड करते हैं। लाइक डीसी जनरेटर, डीसी मोटर्स आर आल्सो ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह की इसमें सीरीज वाउंड, शंट वाउंड एंड कंपाउंड वाउंड जनरेटर। बाइंडिंग के हिसाब से सीरीज है, शंट है और कंपाउंड है। द यूज ऑफ पार्टिकुलर मोटर डिपेंड्स अपॉन द मैकेनिकल लोड इट हैज टू ड्राइव, किस तरह का लोड ड्राइव करना है उस पर डिपेंड करते हुए इनमें से किसी एक डीसी मोटर का इंतखाब किया जाता है। अब ये तो हम इनकी टाइप्स को लेटर ऑन डिटेल में पढ़ते हैं। अभी हम पैसे पहले बात कर लें कि डीसी मोटर्स का वो बेसिक प्रिंसिपल कौन सा है, वो किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम कर रही होती हैं। अ डीसी मशीन दैट कन्वर्ट्स डीसी पावर इनटू मैकेनिकल पावर इज नोन एज अ डीसी मोटर। इट्स ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरियिंग कंडक्टर, बेसिक जो हमने मैग्नेटाइजेशन के प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनमें ये भी पढ़ा था, व्हेन अ करंट कैरियिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर द कंडक्टर एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स अमल करती है। जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक करंट कैरियिंग कंडक्टर रखते हैं, यानी कि एक कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, तो उस कंडक्टर के ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स जो है वो काम करती है, जो उसको रिपेल या अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड रूट, एंड मैग्नीट्यूड जो है दैट इज गिवन बाय FBIL। इसमें बी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, आई करंट और एल जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और ये फोर्स जो होगी वो न्यूटन में होगी। तो एफ इज इक्वल टू BIL, और इसके बारे में हमने डिटेल डेरिवेशन शुरू के चैप्टर में हमने किए थे। बेसिकली देयर इज नो कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस बिटवीन अ डीसी मोटर एंड अ डीसी जनरेटर, दोनों सेम तरह के। और ये जब हम डीसी जनरेटर पढ़ रहे थे तब भी हमने बात की थी कि डीसी मोटर्स और डीसी जनरेटर की जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है। द सेम डीसी मशीन कैन बी रन एज अ डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। एक ही डीसी मशीन को हम डीसी मोटर या डीसी जनरेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आर करेक्शंस। ओके जी, अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ डीसी मोटर की। ये हमारे पास कंसीडर अ पार्ट ऑफ ए मल्टीपोलर डीसी मोटर एज शोन इन अ फिगर। डिफरेंट पोल्स हैं, हमने सिर्फ दिखाने के लिए दो पोल्स यूज किए हैं, नॉर्थ और साउथ।
टू फोर पोल हो सकती है, फोर पोल, सिक्स पोल, एंड नंबर ऑफ पोल्स जो है वो आपको पता है इवन होते हैं, उन पर डिपेंड करते हुए। हमने जस्ट इस पर्पज को दिखाने के लिए सिर्फ दो पोल शो किए हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है जी। कंसिडर अ पार्ट ऑफ ए मल्टीपोलर डीसी मोटर एज शोन इन अ फिगर, व्हेन द टर्मिनल ऑफ द मोटर आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई। तो ये जो इसके क्या कहते हैं टर्मिनल्स हैं मोटर के, जब इनको एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, द फील्ड मैग्नेट्स आर एक्साइटेड डिवेलपिंग अल्टरनेटिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। आपको पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजारते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर बनाता है, बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कि उसका एक पोल जो है वो नॉर्थ के तौर पे बिहेव करेगा और दूसरा साउथ पोल के तौर पे है। तो द फील्ड मैग्नेट्स आर एक्साइटेड डिवेलपिंग अल्टरनेटिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। द आर्मेचर कंडक्टर्स कैरी करंट, ये जो आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं वो नंबर ऑफ कंडक्टर स्लॉट्स में जो है उनके ऊपर करंट्स होता है। ऑल कंडक्टर्स अंडर एन पोल्स कैरी करंट इन वन डायरेक्शन, इनकी ये एक डायरेक्शन होगी, व्हाइल द कंडक्टर्स अंडर एस पोल कैरी करंट्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन। जो एस कंडक्टर जो होंगे ये पोलैरिटी जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, ठीक है जी। यानी कि ये पॉजिटिवली पोलैरिटी और ये नेगेटिवली पोलैरिटी, और ये आपस में अल्टरनेट हो रहे रहेंगे, इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे पीछे से अल्टरनेटिंग करंट जो है वो चेंज होता जाएगा। सपोज द कंडक्टर अंडर एन पोल कैरी करंट्स इन टू द प्लेन, यानी कि पेज के अंदर की तरफ अगर उसकी डायरेक्शन होगी ऑफ द पेपर, एंड दोज अंडर एस पोल कैरी करंट्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन द फिगर। कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये पिछली फिगर में देखे तो एक पे डॉट्स लगा हुआ है, ये इन टू द प्लेन है, और ये जिन पे पॉजिटिव लगा हुआ है ये आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है जी। तो यानी कि पेपर से बाहर और अंदर की तरफ डायरेक्शन है। सेंस ईच आर्मेचर कंडक्टर इज कैरी कंडक्ट करंट, हर आर्मेचर के कंडक्टर के अंदर करंट है, एंड इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, मैकेनिकल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो दो चीजें इसके ऊपर, एक तो अल्टरनेटिंग करंट है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेसिक लॉ जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पढ़ा था उसके मुताबिक इसके ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स जो है वो अमल करेगी। ऑल दीज फोर्सेस एड टूगेदर टू प्रोड्यूस द ड्रिवन टॉर्क, ये जो फोर्सेस इसके ऊपर अमल कर रही हैं ये आपस में एड अप हो जाएंगी, अल्जेब्रिक सम होगा, और वो उसके रिजल्टेंट में एक फोर्स जो है वो उसको मूव करवाएगी, जिसको हम टार्क बोलेंगे। ऑल दीज फोर्सेस एड टूगेदर टू प्रोड्यूस द ड्राइविंग टार्क विच सेट्स द आर्मेचर रोटेटिंग, जिसकी वजह से आर्मेटर जो है वो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। व्हेन द कंडक्टर मूव फ्रॉम वन साइड ऑफ ए ब्रश टू द अदर साइड, वो जो ब्रशेज है उनकी एक साइड से गुजर के दूसरी साइड पे जाएगा, द करंट इन दैट कंडक्टर इज रिवर्स, तो करंट क्या होगा वो रिवर्स हो जाएगा। एट द सेम टाइम इट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेक्स्ट पोल, और जो नॉर्थ पोल है वो साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा और साउथ जो है वो नॉर्थ में आ जाएगा। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जो आपके आर्मेचर के कंडक्टर है वो पहले नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में थे तो अब वो साउथ के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, ठीक है जी। विच इज ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, जो कि डेफिनेटली अपोजिट पोलैरिटी का होगा। कॉन्सिक्वेंटली द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर रिमेन्स द सेम। तो क्या होगा, अगर वो इनटू द प्लेन था तो जैसे ही वो चेंज होगा तो वो दोबारा, ऑल्दो प्लेन चेंज हुआ है लेकिन डायरेक्शन इनटू द प्लेन ही रहेगी। तो ओवरऑल कॉन्सिक्वेंटली द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर रिमेन्स द सेम। यहां तक किसी का बच्चे कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछे ताकि मैं आगे मूव कर सकूं, फिर इजीली वर्किंग जो है इसकी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक आर काउंटर ईएमएफ। अभी हम बात कर रहे थे कि जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर फोर्स अमल करती है, या करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि रोटेट कर रहा हो ये मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर ईएमएफ जनरेट होगी। एक टर्म यूज होती है बैक या काउंटर ईएमएफ, ये क्या चीज होती है। व्हेन द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मोटर रोटेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रिवन टॉर्क, वो जो फोर्स जिसकी वजह से अब वो रोटेटर जो है वो रोटेट करेगा। समझ रहे हैं, पहले बात को समझिएगा। पहले क्या है कि जब कंडक्टर, कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स अमल करेगी, ये फोर्सेस आपस में एड अप करके उस
रोटेटर उस कंडक्टर को या उस आर्मेचर को या उस रोटर को ड्राइव कराएंगी, तो वो जिस तरह से ड्राइव होगा, जिस तरह से वो मूव करेगा, उसको आप टार्क बोलते हैं। वही एक्चुअली टार्क भी वो फोर्स है, जिस फोर्स के अंदर, जिसके तहत वो जो है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है जी। तो व्हेन द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मोटर रोटेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ड्राइविंग टार्क, अब वो रोटेट कर रहा है, द आर्मेचर कंडक्टर मूव थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आर्मेचर के कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे, एंड हेंस अ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इनटू देम। और ये भी हमें पता है कि जब एक रोटेटिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो उसमें ईएमएफ जनरेट होती है। इन दैट एज इन अ जनरेटर, जैसे कि जनरेटर में होता था, द इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड वोल्टेज, जो हमने अप्लाई वोल्टेज किए थे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये लेंथ लॉ से हमने पढ़ा था, उसमें भी आपको बताया था, एंड इन नोन एंड इज नोन एज बैक और काउंटर ईएमएफ, और उसको हम बैक या काउंटर ईएमएफ कहते हैं। इसको जो बैक या काउंटर ईएमएफ है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ईबी से। कैलकुलेट करने का फार्मूला वही है जो हमने एज इट इज पढ़ा था पहले ईएमएफ की जनरेशन में, दैट इज पी एफ जी एन डिवाइडेड बाय 60 ए। ये नंबर ऑफ पोल्स, फ्रीक्वेंसी, जी जो है वो नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन अ सेगमेंट या इन अ स्लॉट, और एन नंबर ऑफ पोल्स है डिवाइडेड बाय 60, और ए जो है वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सी वाइंडिंग हुई है उस पे, इज ऑलवेज लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज। ये हमेशा अप्लाइड वोल्टेज से कम ही होंगे, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज की वजह से वो रोटेट कर रहा है, और रोटेशन की वजह से फिर ईएमएफ जनरेट होगी। तो डेफिनेटली ये उसका, अगर आप उसको समझे कि अगर वो वालिद साहब हैं तो ये उनके बेटा साहब है, तो डेफिनेटली इसकी स्ट्रेंथ उससे कम होगी। ऑल्दो दिस डिफरेंस इज स्मॉल व्हेन द मोटर इज रनिंग अंडर नॉर्मल लोड कंडीशन, तो जब नॉर्मल लोड कंडीशन में होगी तो तब ये डिफरेंस जो है वो कम होगा, बहुत कम होगा। कंसीडर अ शंट माउंट जनरेटर शोन इन द फिगर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये आप एक देख रहे हैं, आपके सामने एक सर्किट ड्रा किया गया है। ये वाला पोर्शन जो है ये इसकी, ये शंट वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है या रोटर है जो वो रोटेट कर रहा होगा। जो आर्मेचर में से करंट गुजर रहा है उसको आई ए कहेंगे, जो लोड में से करंट गुजर रहा है। बच्चे आवाज आ रही है? ओके। जो सर लोड में से करंट गुजर रहा है उसको आई एल, और जो शंट वाइंडिंग में से गुजर रहा है उसको आई एस एस से रिप्रेजेंट किया गया है। अप्लाइड वोल्टेज को वी से रिप्रेजेंट किया गया है, जो हमने वोल्टेज अप्लाई की और जिसकी वजह से रोटर ने रोटेट किया, टार्क जनरेट हुआ, और उस टार्क जनरेट होने की वजह से जो ईएमएफ जनरेट हो रहे हैं उसको बैक ईएमएफ कहते हैं, और उसको ईबी से रिप्रेजेंट किया गया है। और अगर आप देखें तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट है टू द फ्लो ऑफ आर्मेचर करंट के, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर आप ये सर्किट समझ में आया तो हम आगे बात करते हैं। व्हेन डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द मोटर टर्मिनल्स, यहां पर जब आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, द फील्ड मैग्नेट्स आर एक्साइटेड एंड आर्मेचर कंडक्टर्स आर सप्लाइड विद द करंट, देयरफॉर ड्राइविंग टार्क जो उसको रोटेट कर रहा होगा एक्ट्स ऑन द आर्मेचर, जिस आर्मेचर के ऊपर असर अंदाज होता है, व्हिच बिगिंस टू रोटेट, जिसकी वजह से ये रोटेट करना शुरू कर देता है। आज एज द आर्मेचर रोटेट्स, जैसे ये आर्मेचर रोटेट करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा और उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगी, तो उसको हमने बैक ईएमएफ, ईबी इज इंड्यूस्ड व्हिच अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज, जो कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में और इसको अपोज कर रहे होंगे। द अप्लाइड वोल्टेज वी हैज टू फोर्स करंट थ्रू द आर्मेचर अगेंस्ट द बैक ईएमएफ, वो बैक ईएमएफ को जो है वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट जाएगा। The electric work done in overcoming and causing the current to flow against EB, इस करंट को, इस वोल्टेज को ओवरकम करने के बाद ही ये आर्मेचर करंट इसमें से फ्लो कर पाएगा। causing the current to flow against EB is converted into mechanical energy developed in the armature.
तो इस आर्मेचर में मैकेनिकल एनर्जी डेवलप होगी, इट फ्लोज, देयरफॉर दैट एनर्जी कन्वर्जन इन अ डीसी मोटर इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ का मेन रोल है। अगर इस सर्किट को हम देखें तो यहां पर आर्मेचर जो है इसके ऊपर नेट अप्लाइड वोल्टेज जो है वो अगर हमने कैलकुलेट करने नेट अल्जेब्रिक सम कह रहा हूं, अगर अप्लाइड वोल्टेज को हम पॉजिटिव लेते हैं तो ईबी जो है वो बैक ईएमएफ नेगेटिव में है, तो नेट वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर सर्किट के होंगे वी माइनस ईबी। और अगर हम ये जो आर्मेचर है इसकी रेजिस्टेंस को आर ए ले लें, इफ आर ए इज द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस देन जो करंट फ्लो करेगा आर्मेचर उसमें से आर्मेचर में से दैट इज आई ए इज इक्वल टू वी यानी कि जो अप्लाइड वोल्टेज है माइनस बी बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर्मेचर की रेजिस्टेंस। अब अगर हम देखें तो अप्लाइड वोल्टेज भी फिक्स होते हैं और आर्मेचर की रेजिस्टेंस भी जो पैदा से जब आपने डिजाइन किया उस टाइम पे फिक्स थी, सिंस वी एंड आर ए आर यूजुअली फिक्स द वैल्यू ऑफ ई बी विल डिटरमाइन यानी बैक ई एम एफ की वैल्यू जो है विल डिटरमाइन द करंट ड्रॉन बाय द मोटर। तो बैक ई एम एफ ये डिसाइड करेगी, बैक ई एम एफ की वैल्यू जो है वो ये डिसाइड करेगी कि मोटर जो है वो कितना करंट ड्रा करेगी, कितना लोड होगा। यहां पर चीज इफेक्ट आता है स्पीड का, इफ द स्पीड ऑफ द मोटर इज हाई If the speed of the motor is high, then back EMF EB is equal to P F N Z N divided by 60 is larger, जो कि ये speed से directly proportional है, and hence the motor will draw less armature current and vice versa. समझ आ रही है? आखिरी point वाला। अच्छा दोबारा से बता दो, ये इक्वेशन जो नजर आ रही है आपको इसमें कॉन्स्टेंट क्या क्या चीजें हैं? एक तो अप्लाइड वोल्टेज जो हमने अप्लाई करने हमें पता है कितने की बैटरी लगानी है। यार एक सेकंड रुकिएगा, मैं ना एक कोई इमरजेंसी लगता है, किसी को कॉल आ रही है बार बार। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वो दरम्यान में पता नहीं कौन था। अच्छा चले, अगर इस इक्वेशन को असीब आवाज आ रही है बच्चे? अच्छा अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन के मुताबिक दो चीजें कांस्टेंट है, एक हमने जो अप्लाइड वोल्टेज दी है वो कांस्टेंट है वी की वैल्यू, और दूसरी चीज जो कांस्टेंट है वो है हमारे पास आर्मेचर की रेजिस्टेंस जो हमने पहले से वेल डिफाइंड है। अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है तो आर्मेचर का जो करंट है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वो बैक ईएमएफ पे डिपेंड कर रहा है, और बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर इस इक्वेशन को देखें। और यहां पर अगर बैक ईएमएफ की इक्वेशन देखें दैट इज इक्वल टू पोल्स फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्लॉट्स और स्पीड डिवाइडेड बाय 68, तो ये जो एन है इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैक ईएमएफ। सो इफ द स्पीड ऑफ द मोटर इज हाई, अगर उसकी स्पीड की मोटर की स्पीड हाई होगी देन बैक ईएमएफ जो है वो भी ज्यादा होगी। अगर बैक ईएमएफ ज्यादा होगी और बैक ईएमएफ और जो है ये ओवरऑल वोल्टेज में कम हो जाएंगे, एंड हेंस द मोटर विल ड्रा लेस आर्मेचर करंट, क्योंकि इसकी वैल्यू हायर हो जाएगी तो इसमें से माइनस करके इसकी वैल्यू ग्रेटर रहेगी, डिवाइडेड बाय करेंगे तो आर्मेचर का करंट जो है वो मिनिमम होता जाएगा। अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो आर्मेचर का करंट जो है वो ज्यादा होगा, ज्यादा विड्रा करेगा। The presence of back EMF makes the DC motor a self-regulating machine. यानी कि it makes the motor to draw as much as armature current as is just significant या sufficient to develop the torque required by the load. तो इस तरह से मोटर जो है वो automatically अपने आप को control कर रही है। जितना armature current ज्यादा चाहिए होगा definitely उतना ही torque अगर आपको ज्यादा चाहिए तो armature current चाहिए, उसी हिसाब से मोटर जो है वो बैक ईएमएफ की वैल्यू कम करेगी, और बैक ईएमएफ कम जनरेट होगी तो आर्मेचर करंट जो है वो
इंक्रीज करेगा और टॉर्क ज्यादा होगा। व्हेन द मोटर इज रनिंग ऑन नो लोड, जब नो लोड पर चल रही होगी, स्मॉल टॉर्क इज रिक्वायर्ड, क्योंकि लोड ज्यादा नहीं, टॉर्क एक्चुअली वो मूवमेंट जो आपने लोड को हिलाने के लिए फोर्स इस्तेमाल करनी है। नो लोड पे तो वो नहीं चाहिए, तो स्मॉल टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज। देयरफॉर द आर्मेचर करंट आईए इज स्मॉल, ये हमारे पास कम रिक्वायर्ड, एंड द बैक ईएमएफ इज नियरली इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो बैक ईएमएफ ज्यादा होगी जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी उसके अप्लाइड वोल्टेज के। यहां तक समझ आ गया जी? अगर समझ में आया है तो ये मुझे बताएं कि जब फुल लोड होगा तब ये कैसे बिहेव करेगी। तो क्यों कम होगा, ये वजह पूछ रहा हूं। बच्चे नहीं, दोबारा सुन ले, मैंने मैंने ये बच्चे मैंने क्वेश्चन इसलिए किया कि आपको ये चीज समझ में आए। लोड का कनेक्शन है टार्क के साथ, अगर लोड ज्यादा होगा तो टार्क ज्यादा रिक्वायर्ड है, सही है? अगर टार्क ज्यादा है तो आपको आर्मेचर करंट ज्यादा चाहिए, अगर आपको आर्मेचर करंट ज्यादा चाहिए तो बैक ईएमएफ कम होगी तो आर्मेचर करंट ज्यादा होगा। समझ आ गई थी सभी को? क्लियर है ना? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछे पहले। सो आई होप के नहीं है, चले। अच्छा, अब इफ द मोटर इज सडनली लोडेड, लोड डाल दिया जाता है जो भी हम बात कर रहे थे, द फर्स्ट इफेक्ट इज टू कॉज द आर्मेचर टू स्लो डाउन, आर्मेचर स्लो डाउन हो जाएगा। देयरफॉर द स्पीड एट विच द आर्मेचर कंडक्टर्स मूव थ्रू द फील्ड इज रिड्यूस्ड, तो वो जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी, हेंस द बीएमएफ बैक ईएमएफ फॉल्स, तो बैक ईएमएफ भी कम हो जाएगा। द डिक्रीज्ड बैक ईएमएफ अलाउज अ लार्जर करंट टू फ्लो थ्रू द आर्मेचर, क्योंकि वो टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लार्जर आर्मेचर करंट जो है वो फ्लो करेगा, एंड लार्जर करंट मींस इंक्रीज ड्राइविंग फोर्स ड्राइविंग टॉर्क, तो टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। लोड का मतलब यह है कि जब आप लोड डालते हैं तो आपको फिर उसको ड्राइव करने के लिए ज्यादा टार्क चाहिए होगा, ज्यादा टार्क चाहिए तो आर्मेचर करंट ज्यादा चाहिए, ज्यादा आर्मेचर करंट चाहिए तो बैक ईएमएफ कम होनी चाहिए। दस द ड्राइविंग टार्क इंक्रीजेस एज द मोटर स्लोज डाउन, तो ड्राइविंग टार्क बढ़ेगा तो मोटर जो है वो स्लो हो जाएगी। एज द मोटर विल स्टॉप स्लोइंग डाउन, जैसे वो ऐसा ऐसा बंद हो रहा है, व्हेन द आर्मेचर करंट इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस द इंक्रीज टार्क रिक्वायर्ड बाय द लोड, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी तब तक जब तक आर्मेचर करंट इतना ज्यादा ना हो जाए कि वो उस टार्क जो है वो ड्राइविंग टार्क है उसको मैनेज कर पाए। तो वो ऐसा ये आपके मैकेनिज्म आपने देखा है कि आप किसी छोटी मोटर के ऊपर जब लोड डालते हैं, ज्यादा लोड लगाते हैं, हैवी लोड लगाते हैं या बड़ा पहिया लगा देते हैं छोटी मोटर के ऊपर, तो वो लोड जब ड्राइविंग टार्क बढ़ता है तो वो आहिस्ता तो स्लो होते होते आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती होती है, क्योंकि वो आर्मेचर करंट उसको मेंटेन ही नहीं कर पा रहा था, उस सफिशिएंट वैल्यू पे जाता ही नहीं है। तो इफ द लोड ऑन द मोटर इज डिक्रीज, अगर मोटर के ऊपर पहले ज्यादा था, अब लोड डिक्रीज कर गया है, तो क्या होगा? द टॉर्क ड्राइविंग टॉर्क इज मोमेंटरीली इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट सो दैट द आर्मेचर इज एक्सेलरेटेड, तो क्या होगा, अचानक से आपका ड्राइविंग टॉर्क कम हुआ, ड्राइविंग टॉर्क कम हुआ तो आपका आर्मेचर जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगा। As the armature speed increases, the back EMF also increases. तो back EMF increase हो जाएगा and causes the armature current to IA to decrease. तो armature current automatically कम होना शुरू हो जाएगा. The motor will stop accelerating when the armature current is just sufficient to produce the reduced torque required by the load. तो हो क्या रहा है कि ये जो DC motor है, ये जो DC motor है वो क्या कर रही है? Back EMF के जरिए अपने लोड और स्पीड को खुद सिंक्रोनाइज कर रही है। तो भाई यही इसकी खसूसियत है, स्पीड और टार्क कैरेक्टरिस्टिक, कि ये स्पीड के हिसाब से अपने टार्क को या टार्क के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेती है, जिसकी वजह से इसकी एप्लीकेशन है। इट अलाउज देयरफॉर
Back EMF in a DC motor regulates the flow of armature current. That is, it automatically changes the armature current to meet the load requirement. तो ये automatically load requirement को maintain कर लेती है. अब हम बात करेंगे voltage equation of a DC motor. ये उसी तरह से हमने एक मोटर का सर्किट ड्रा किया है. ये आर्मेचर करंट है और इसके अंदर बैक ईएमएफ है. ये आर्मेचर करंट है, ये लोड है, ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये शंट रेजिस्टेंस है और ये शंट करंट है. वी अप्लाइड वोल्टेज, ई बी बैक ईएमएफ, आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस, आई ए आर्मेचर करंट. सिंस बैक ईएमएफ एक्ट्स इन द अपोजिशन टू द अप्लाइड वोल्टेज, द नेट वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर सर्किट इज वी माइनस ई बी. ये हमने पहले बात कर ली कि यहां पर जो होंगे वो वी माइनस ई, और आर्मेचर करंट भी हमने देखा वी माइनस ई बी ओवर आर ए. तो यहां से अगर हम वी की वैल्यू इधर रहने दें और बाकी चीजें उधर ले जाएं, तो पहले आई ए और आर ए मल्टीप्लाई होगा, आई ए आर ए, और ये ई बी माइनस हो रहा तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा. सो द वी इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए. दिस इज नोन एज वोल्टेज इक्वेशन फॉर अ डीसी मोटर. ये जो है अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू बैक ई एम एफ प्लस आई ए आर ए, इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज इक्वेशन. अब पावर इक्वेशन की अगर हम बात करें, ये थी वोल्टेज इक्वेशन. इफ इक्वेशन अबव इज मल्टीप्लाइड बाय आई ए थ्रू आउट, इसको आई ए से मल्टीप्लाई करते हैं इधर भी, तो ये वी आई ए हो जाएगा, ये ई बी आई ए हो जाएगा, और यहाँ आई ए स्क्वायर आर ए हो जाएगा. दिस इज नोन एज पावर इक्वेशन ऑफ द डीसी मोटर, जिसमें से वी आई ए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई टू द आर्मेचर, ये जो आर्मेचर को आपने सप्लाई की पावर. EBIA the power developed by the armature, जो armature की output में power available है वो ये होगी, और electric power wasted in armature, और ये losses हैं, I square R losses होते हैं हमेशा. Thus, out of the armature input, a small portion, about 5% is wasted as I square R है, ये 5% approximately, and the remaining portion EBIA is converted into mechanical power with the armature, और ये वाली जो power है ये कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल पावर में. तो इस सारी इक्वेशन को पावर इक्वेशन कहते हैं. अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, कि मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगी. द मैकेनिकल पावर डिवेल्प बाय द मोटर इज पी एम इज इक्वल टू ई बी आई ए. ये हमने अभी बात की, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या होती है, ये मैकेनिकल पावर है, और इसको पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं अगर तो. तो पीएम किसके बराबर है, वी ए माइनस आई ए स्क्वायर, ये जो लॉसेस हैं वो इसमें से माइनस कर देंगे. पीएम इज इक्वल टू वी आई ए माइनस आई ए स्क्वायर आर ए. सिंस वी एंड आर ए आर फिक्स्ड, अप्लाइड वोल्टेज और रेजिस्टेंस फिक्स है, पावर डिवेल्प बाय द मोटर डिपेंड्स अपॉन द आर्मेचर करंट, और ये हमने पहले भी बात किया है कि आर्मेचर करंट पे ही डिपेंड कर रही है. फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ट्रांसफर डी जो जो मैकेनिकल पावर में चेंज है विद रिस्पेक्ट बाय द चेंज ऑफ चेंजिंग द आर्मेचर करंट, दैट शुड बी जीरो. यानी कि अगर हम आर्मेचर करंट में चेंज करें तो ये जो मैकेनिकल पावर है इसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तब हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी. दैट मीन्स dp over di, ये इसका डेरिवेटिव लें तो विद रिस्पेक्ट टू आई ए, आई ए से आई ए कैंसिल हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, डेरिवेटिव इसका बंद हो जाएगा, तो v और इसका 2 नीचे उतर आएगा, आई ए आर इज इक्वल टू 0. और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो आई ए आर ए इधर रह जाएगा और v उधर चला जाएगा पॉजिटिव, और ये 2 जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो v बाय 2. और अगर हम यहाँ से v की वैल्यू जो हमने पहले यहाँ पर कैलकुलेट की थी शुरू में, ये वाले वैल्यू प्लेस करते हैं, वी इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए, ये यहाँ पर प्लेस करते हैं ई वी प्लस आई ए आर ए, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा, ई बी प्लस वी बाय 2. सो अगर यहाँ से हमने ई बी की वैल्यू लेनी हो तो दैट इज इक्वल टू वी बाय 2. क्लियर जी, आई चूंकि हमारा जो ये आई ए आर ए है ये वी बाय 2 के इक्वल होता है ना, तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी तो ये ई बी प्लस वी आई ए बाय 2 आ जाएगा. क्लियर जी, और इसको अगर ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे
ये टू वी इधर आ जाएगा, ई बी प्लस वी, और ये टू वी इसमें से माइनस कर दें तो ये ई बी माइनस वी डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा। हेंस द मैकेनिकल पावर डिवेल्प बाय द मोटर इज मैक्सिमम व्हेन बैक ईएमएफ इज इक्वल टू द हाफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो कब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी? जब बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज के हाफ होगी, तब आपकी जो है वो मैक्सिमम पावर अचीव होगी। तो मोटर से मैक्सिमम पावर तब ले सकते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, प्रॉब्लम क्या आती है? इन प्रैक्टिस वी नेवर एम एट अचीविंग मैक्सिमम पावर ड्यू टू दी फॉलोइंग रीजन। कौन कौन सी रीजन है? दी आर्मेचर करंट अंडर दिस कंडीशन इज वेरी लार्ज। क्योंकि अगर आपको बैक ईएमएफ की वैल्यू आई चाहिए तो आर्मेचर करंट ज्यादा चाहिए ना, तो आर्मेचर करंट जो है वो ज्यादा हो जाता है, मच एक्सेस ऑफ रेटेड करंट ऑफ दी मशीन, रेट मशीन के रेटेड करंट से भी ऊपर चला जाएगा, जिससे आपकी आर्मेचर वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। हाफ उसके बाद आता है, हाफ ऑफ द इनपुट पावर इज वेस्टेड इन द आर्मेचर सर्किट। तो आधी पावर तो वहां पर जाया हो जाएगी। इनफैक्ट इफ वी टेक इनटू अकाउंट अदर लॉसेस, आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेस, द एफिशिएंसी विल बी लेस देन बिलो देन 50%। तो इनपुट का 50% भी आउटपुट पे अवेलेबल नहीं होगा। तो इन लिमिटेशंस की वजह से आप इसको मैक्सिमम पावर पे चलाते ही नहीं है, यानी इसको मैक्सिमम लोड पे ड्राइव ही नहीं करते, उससे कम लोड पे ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। लाइक डीसी जनरेटर्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डीसी मोटर कैरेक्टराइज्ड बाय द करेक्शंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग इन रिलेशन टू द आर्मेचर। आर्मेचर के साथ फील्ड का रिलेशन, वाइंडिंग कैसी है उसके हिसाब से। पहला है शंट बाउंड मोटर, इन विच द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर, जिसमें आपकी फील्ड वाइंडिंग जो है वो उसके पैरेलल में होगी। द करंट थ्रू द शंट फील्ड वाइंडिंग इज नॉट द सेम एज द आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट के सेम नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं ना। शंट फील्ड वाइंडिंग्स आर डिजाइन टू प्रोड्यूस द नेसेसरी मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ बाय मींस ऑफ ए रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगी ऑफ वायर हैविंग हाई रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। देयरफॉर शंट फील्ड करंट इज रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर्ड विद द आर्मेचर करंट। तो ये शंट करंट जो है वो आर्मेचर के निस्बत कम होगा शंट बाउंड में। उसके बाद है सीरीज बाउंड एंड। सीरीज बाउंड एंड में क्या आता है, आर्मेचर और जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज में होती है। इन विच द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर, देयरफॉर सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैरीज द आर्मेचर करंट। दोनों में सेम होता है। सो सिंस द करंट पासिंग थ्रू अ सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज द सेम एज द आर्मेचर करंट, सीरीज फील्ड वाइंडिंग मस्ट बी डिजाइंड विद मच फ्यूअर टर्न्स दैट शंट फील्ड वाइंडिंग फॉर द सेम एमएमएफ। तो इसकी नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम होते हैं, जो कि जो है वो आर्मेचर करंट और वो सेम रह सके। देयरफॉर अ सीरीज फील्ड वाइंडिंग हैज अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिक वायर एंड देयरफॉर विल पोजेस अ लो रेजिस्टेंस। तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जैसे बढ़ते जाएंगे रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जी बच्चे क्वेश्चन है, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ओके आगे है जी कंपाउंड बाउंड वाटर। कंपाउंड वाटर क्या है, विच हैज टू फील्ड वाइंडिंग्स, वन कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर एंड द अदर इज इन सीरीज विद इट। तो कंपाउंड इसलिए सीरीज भी होगी और पैरेलल भी होगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड मोटर कनेक्शन लाइक जनरेटर, यानी कि शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। व्हेन द शंट फील्ड वाइंडिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर टर्मिनल, ठीक है, इट इज कॉल्ड शॉर्ट शंट, जब आपकी जो फील्ड है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। और व्हेन द शंट वाइंडिंग इज सो कनेक्टेड दैट इट शंट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड दैट इज इट इज कॉल्ड लॉन्ग शंट। ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा। ये देखें ये क्या है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है लॉन्ग शंट में इसके साथ, और इसमें इसको सेंटर से जो है शॉर्ट शंट में क्या है, ये हाफ ऑफ दी सीरीज वाइंडिंग के हाफ में से शंट करंट लेता है। तो ये आपकी क्या होगी, शॉर्ट शंट है और इसको लॉन्ग शंट बोलते हैं। शंट की अगर आप डायमेंशन देखें तो ये यहाँ पर शॉर्ट है और यहाँ पर लॉन्ग है। द कंपाउंड मशीन जनरेटर्स आर मोटर्स आर आल्सो डिजाइंड सो दैट द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द शंट फील्ड वाइंडिंग, ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, इज कंसिडरेबली लार्जर देन द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द सीरीज वाइंडिंग। तो इससे के फ्लक्स ज्यादा होगा। देयरफॉर शंट फील्ड इन कंपाउंड मशीन
इज द बेसिक डोमिनेंट फैक्टर इन द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द मशीन। तो जो ये शंट फील्ड वाइंडिंग है ये इसका डोमिनेटिंग हैंड है, ये यही डिसाइड करती है कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। इवन के कंपाउंड में भी जो बिहेवियर है वो शंट वाइंडिंग का जो है वो डोमिनेटिंग रहेगा। यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? शॉर्ट और लॉन्ग शंट दोबारा बता रहा हूं बच्चे, शंट पहले कंपाउंड समझ ले। कंपाउंड क्या है, पहले हमने सीरीज और देखी शंट। आर्मेचर की अगर सीरीज में वाइंडिंग लगी होगी तो उसको सीरीज वाउंड मोटर कहेंगे, और अगर आर्मेचर के पैरेलल में लगी होगी तो उसको हम शंट कहेंगे, शंट बीन पैरेलल। कंपाउंड क्या होगा, जिसमें आर्मेचर के सीरीज में भी फील्ड वाइंडिंग होगी और इसके पैरेलल में भी, तो उसको आप कंपाउंड बोलेंगे। यानी इसमें दो फील्ड वाइंडिंग होगी, सीरीज भी होगी और कंपाउंड भी होगी। अगर आपकी सीरीज जो है जो शंट वाइंडिंग है ये डोमिनेट रहेगी, इस ये डिसाइड करती है कि आपका टार्क क्या है, ठीक है जी। अगर ये हाफ सेंटर सीरीज और आर्मेचर के सेंटर में लगी हुई है, करेक्टेड है, तो ये शॉर्ट शंट है, क्योंकि इसकी अगर आप देखें ये जो डिस्टेंस है ये भी कम है, शॉर्ट शंट है। और अगर ये कंप्लीटली इसके पैरेलल में है सीरीज, और यहां पर अगर आप देखें तो ये सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में है शॉर्ट शंट में, लेकिन अगर यहां पर देखें तो ये सीरीज और आर्मेचर दोनों के पैरेलल में है, ठीक है जी। तो इसको बोलेंगे लॉन्ग शंट। जब ये सीरीज और आर्मेचर दोनों के पैरेलल में होगी फील्ड वाइंडिंग शंट वाइंडिंग, तो लॉन्ग शंट होगी। जब ये सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में होगी तो ये शॉर्ट शंट होगी। जी बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिएगा। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही है जी। ये सुफियान मिर्जा, जरा माइक ऑन कीजिएगा प्लीज। सुफियान मिर्जा आवाज आ रही है? मोहम्मद वकास ने लेफ्ट किया है तो इसका एक नंबर कट गया, और जो जो लेफ्ट करता जाएगा मैं देख रहा हूं। सुफियान यहां तो पता नहीं आज से पूछा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप मीटिंग लीव करते हैं ना, साथ में आपका एक एक नंबर कटता जाता है। साके महमूद ने भी लेफ्ट किया, ठीक है। अटेंडेंस जिन लोगों की कम है उनको पता है ना कि उनकी अटेंडेंस कम है, कभी आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपकी अटेंडेंस कम है। उकाशा राशिद रियाज ने भी लेफ्ट कर दिया जी, ठीक है। ये जब आपके सेशनल मार्क्स लगेंगे फिर आपको अंदाजा होगा कि ये क्या हुआ है। उकाशा सब पोर्टल पे, सब पोर्टल पे अपडेट तो नहीं हुई वैसे, अगर आपको पता है तो आप बता दें। पोर्टल पे आपकी अटेंडेंस अपडेट नहीं हुई सर, रीसेंट वन नहीं हुई, चेक कर लीजिएगा। मेरा तो ख्याल है हो जानी चाहिए। अच्छा चलें कोई बात नहीं है, वो देख लेना हमारे। उकाशा काबरान किधर गया अभी? अच्छा चलें आगे आगे हम आ जाते हैं, अभी फिलहाल परेशान नहीं करते आपको। एक होमवर्क क्या ये सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, हिंट मैंने बताया हुआ है। 250 वोल्ट शंट मोटर टेक्स अ टोटल करंट ऑफ 20 एम्पेयर, टोटल करंट जो है उसका 20 एम्पेयर है। द शंट फील्ड एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस आर, आर्मेचर की रेजिस्टेंस भी बताई हुई है और शंट फील्ड की भी। शंट फील्ड की रेजिस्टेंस कितनी है 200 और आर्मेचर की कितनी है 0.3 ओम्स रेस्पेक्टिवली। सबसे आपने पहले क्या करना है, वैल्यू ऑफ बी बैक ईएमएफ ईबी कैलकुलेट करने हैं, और ग्रास मैकेनिकल पावर इन दी आर्मेचर, और ईबी प्लस आईएआरए कर लेंगे तो आपको आर्मेचर ओवरऑल ग्रास मिल जाएगा।
तो ये आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आपको टोटल करंट भी गिवन है और आपको शंट फील्ड की जो है वो रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो आप शंट करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप शंट करंट फाइंड आउट कर लें तो आप फिर आर्मेचर करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर आपने आर्मेचर करंट फॉर्म कैलकुलेट कर लिया तो वी माइनस आई ए आर ए से आप बैक ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और बैक ईएमएफ अगर आपने कैलकुलेट कर ली जो कि पहले है तो आप ग्रास मैकेनिकल पावर भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कर लेंगे, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कोई क्यूरी है तो अभी आप पूछ लिया करें, आपको हिंट्स मैं साथ साथ दे देता हूँ। अभी ये मैं करके भी दिखा सकता था लेकिन हिंट इसलिए दिया कि एटलीस्ट कोई ना कोई बच्चा तो करेगा और पूछेगा कि ये कैसे हुआ है। एटलीस्ट कॉपी पेस्ट करते हुए तो आप ध्यान देंगे कि हमने किसी की वैल्यू उठा के यहाँ नहीं लगा देनी, कम अज कम अगर नकल करना है तो सिर्फ फार्मूला ही करना है, जिस वजह से आप लोगों के नंबर 0-0 लग रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता भी हूँ कि चल क्या रहा है आप लोगों के उधर जो आपके सेशन होते हैं, सॉरी पेपर चेकिंग में। अच्छा इसी तरह से एक दूसरा है, उसमें भी मैंने हिंट दिए हुए हैं आपको, ये दोनों आपने जो है ना ये इनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करनी है घर पे। तीसरा एक क्वेश्चन जो हमारी डिस्कशन अभी हुई है इससे रेलिवेंट है कि कैन अ डीसी सीरीज मोटर बी ऑपरेटेड ऑन अ एसी सप्लायर, अगर ऐसा है सजेस्ट द प्रोसीजर वो किस तरह से होगा अगर ऐसा हो सकता है। तो ये आपने बताना है कि डीसी सीरीज मोटर को हम एसी सप्लाई पे ऑपरेट कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी वासिफ, वासिफ तो एक एंट्री मारने के बाद गायब हो जाता है। मोहित आप हैं? यस ठीक है तो इसको देख लें सभी लोग, इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें। आसिफ आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।